यहाँ के तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी चलाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी संभालेगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक बचाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक बचाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी बचाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। विश्वास करो तो न त्यागेगा, उसकी करुणा सदा की है। विश्वास करो तो न त्यागेगा, उसकी करुणा सदा की है। आइए आज के इस प्रातःकाल मनन के लिए वचन सुने, जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 17 से 25। रोमियो अध्याय 4 पद संख्या 17 से 25। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत से जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात
हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जी लाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, तारीफ और महिमा के योग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सवेर के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु जी, आज के दिन में हम अपने सारे स्पॉन्सर भाई बहनों को, अपने सारे फील्ड्स को, अपने सारे विश्वासियों को जिन्होंने आपके पवित्र नाम पर विश्वास रखा है, अपने लीडर साहबानों को, सबको आपके पवित्र हाथों में दे देते हैं। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी करुणा, आपका बड़ा अनुग्रह प्रभु जी हमेशा तक सबके साथ बना रहे। हमें प्रभु जी जैसे आपने बीते दिनों में संभाल के रखा है, ऐसे ही आने वाले दिनों में भी संभालें। पवित्र प्रभु जी, आज के दिन में जितने हमारे भाई और बहन बीमार हैं, खुदावन्द यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्राप्त करें। मेरे प्रभु जी, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बिगड़ते हुए हालातों को अपने हाथों में लें और प्रभु जी नेतागणों को और देश को चलाने वालों को, प्रबंध करने वालों को, सबको आप अपने बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि हमारे देश में शांति बनी रहे। पवित्र प्रभु जी, पूरे संसार में आपका पवित्र नाम ऊँचा है और भी आगे बढ़ता रहे। बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक आपके पवित्र नाम को नहीं जाना है। मेरे प्रभु जी, आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम सब भाई और बहन मिलकर आपसे विनती करते हैं, आपका अड़ा अनुग्रह और कृपा उन सब लोगों के ऊपर हो जिन्होंने अभी तक आपके पवित्र नाम को नहीं जाना है, वो भी आपके प्रेम को जाने, लौट आए और आपकी महिमा करने पाए। मेरे पवित्र प्रभु जी, हमारे डायरेक्टर साहबानों को, बिशप साहबानों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपकी ओर से उन्हें नया बल, नई समर्थ, नया तेज मिले, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले और इसी प्रकार वो हमारी अगुवाई करते रहें। स्मृति प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके पवित्र नाम में हर एक वो जन जिसने आपके पवित्र नाम पर भरोसा किया है, आपकी समर्थ से भरे, आपके ज्ञान से भरे, आपके वचनों से भरे, ताकि उसके द्वारा, मेरे द्वारा आपका पवित्र राज्य आने पाए। प्रभु जी, आपने हमें चुना और स्थिर किया है, हम चाहते हैं आपके पवित्र दानों और वरदानों से हम भर जाएं, आपके अभिषेक से भर जाएं, आपकी आत्मा की अगुवाई में चले और सच्चे और जीवित गवाह ठहरें। आज का वचन हमारे हृदयों में प्रभु जी कार्य करें। पवित्र प्रभु, सब कुछ आपके ही समर्थी हाथों में देते हुए आपके पवित्र और समर्थी नाम यीशु मसीह में मांग लेता हूँ, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-270-333। प्रभु आपको आशीष दे। क्या कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है।